इधर किसान आंदोलन के समर्थन में धरने पर बैठे किसानों ने पंजाबी कलाकार श्री बराड़ के खिलाफ दर्ज केस की सही तरीके से जांच कर इसे वापस लेने की मांग की। श्री बराड़ हनुमानगढ़ जिले के ही रहने वाले हैं। धरने पर बैठे किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर इस संबंध में एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। जय जवान जय किसान। साढ़े एक हनुमानगढ़ तो साढ़े प्रिय मित्र पवनदीप सिंह उर्फ श्री बराड़, एक हनुमानगढ़ का उभरता होया सितारा है पंजाब इंडस्ट्री के बॉलीवुड के विच। उहदे गाणिआं ने अज दे वक्त दे विच उहने किसानां दे समर्थन दे विच जो गाने लिखे है उहनां गाणिआं ने नौजवानां नूं बहुत मोटीवेट कीता है। उहदे गाणिआं जिहड़े गाने उहने लिखे है उह गाने बहुत वड्डे वड्डे स्टारां ने गाए है। साडा बाई खुद एक वड्डा उभरता होया सितारा है। उस गाने नूं लै के किसान एंथम गाणा कढ़िया गया। उस गाने दे एवज़ दे विच उहनां दा एक गाणा आया जान, उस दे विच उहनां दे खिलाफ़ FIR हुई है कि उन्होंने उस गाने दे विच हथियारां नूं प्रमोट किया है, पुलिस की बेइज्जती की है। ये बिल्कुल ही बेबुनियाद झूठे इल्जाम है। ये कोई इल्जाम नहीं लगे उन्होंने, सिर्फ किसान एंथम गाने की रंजिश वश या ये होर किसानों के समर्थन च गाने ना कढ़न, उस करके इन्हों गिरफ़्तार किया गया है। उत्तों सेंटर तो दबाव पवाया गया है। असी वार वार एक ही सवाल पूछ रहे भी इन्हों क्यों गिरफ़्तार किया गया, पटियाला पुलिस कोई जवाब नहीं दे रही है, ना कोई यदा सानू सोल्यूशन दस रही।